नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की सभी बड़ी खबरों को। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो आज की पहली खबर है मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी, इनकम टैक्स में जल्द मिल सकती है भारी छूट, इतने लाख की कमाई होगी टैक्स फ्री। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने जा रही है और माना जा रहा है कि इस साल बजट पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स में बड़े छूट का ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 7 लाख रुपए तक की कमाई पर 5% टैक्स का प्रस्ताव रखा गया है। मौजूदा समय में सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई पर 5% का टैक्स लगता है, तो वहीं 7 से 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 10% टैक्स का प्रस्ताव रखा गया है। मौजूदा समय में 5 से 10 लाख रुपए तक की कमाई पर 20% का टैक्स लगाया जाता है। चलिए तो अगली खबर है शादी के लिए सोने के गहने खरीदने से पहले जान लीजिए नए नियम, रहेंगे हमेशा टेंशन फ्री। जी हां दोस्तों, अगर आप भी सोने के गहने खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS ने 1 जनवरी 2020 से सोने की शुद्धता मापने के नियमों में परिवर्तन कर दिया है। BIS द्वारा किए गए परिवर्तन के बाद देश में सोने की शुद्धता में 4 गुना सुधार होने की संभावना जताई गई है। यानी कि अब भारत में सोने की ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए BIS हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है। BIS के नए नियम के मुताबिक देश में हॉलमार्किंग सोने की ज्वेलरी अब 3 ग्रेड यानी कि 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट में उपलब्ध होगी। हॉलमार्किंग की गई ज्वेलरी पर आपको 4 तरह के निशान देखने को मिलेंगे, पहला BIS मार्क, दूसरा प्योरिटी यानी कि कैरेट, तीसरा सोने में खरापन यानी कि 22 कैरेट सोने के लिए 22K916 का चिन्ह देखने को मिलेगा और चौथा ज्वेलर के निशान के साथ साथ में हॉलमार्किंग सेंटर की पहचान भी लिखी जाएगी। तो ऐसे में अब सराफा बाजार में ज्वेलर को भी हॉलमार्किंग किए गए गहने ही बेचने होंगे और सोना खरीदने वालों को भी सोने के गहनों पर BIS हॉलमार्किंग जरूर देखनी होगी। चलिए तो अगली खबर है कोरोना वायरस से अलर्ट पर चीन, उड़ाने ट्रेनें सस्पेंड, 500 से अधिक लोग संक्रमित। जी हां दोस्तों, तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस के कारण पूरा चीन अलर्ट पर है। चीन के वुहान शहर से बाहर जाने वाली उड़ानें और ट्रेनों को भी सस्पेंड कर दिया गया और इसी के साथ में लोगों को बिना इमरजेंसी के शहर नहीं छोड़ने की गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण अब तक 17 लोगों की मौतें हो चुकी है। बुधवार तक 543 लोग इससे संक्रमित हो चुके थे और इसी के साथ में अमेरिका में भी कोरोना वायरस का केस देखने को मिला है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि आम सर्दी से लेकर श्वास लेने में तकलीफ तक की बीमारियों का कारण बनता है। हालांकि इसके कई लक्षण निमोनिया के वायरस से मिलते जुलते हैं। वैज्ञानिकों को अभी इसका इलाज नहीं मिल पाया है और इसी बात को लेकर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिंता जताई है। चलिए तो अगली खबर है हाई कोर्ट का निर्देश, आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं करवाने पर नहीं होगा रद्द, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करें इंतजार। जी हां दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक आधार से लिंक न कराने पर भी पैन कार्ड रद्द नहीं किया जा सकेगा। दरअसल आपको बता दें कि आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2020 तय की है। यानी कि इस तारीख तक अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव माना जाएगा और उसके बाद आप अपने पैन कार्ड का उपयोग लोन लेने के लिए और टैक्स भरने के लिए नहीं कर पाएंगे। और इसी मामले को लेकर गुजरात की हाई कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंकिंग की जो प्रक्रिया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला नहीं सुनाता है तब तक किसी का भी पैन कार्ड रद्द नहीं होगा। चलिए तो अगली खबर है राज ठाकरे ने दिया CAA और NRC पर मोदी सरकार को समर्थन, 9 फरवरी को करेंगे मेगा रैली। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून और NRC पर केंद्र की मोदी सरकार को महाराष्ट्र में राज ठाकरे का साथ मिला है। मुंबई में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने मोदी सरकार पर नरमाई दिखाते हुए कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालने में केंद्र सरकार के फैसले का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के समर्थन में 9 फरवरी को मुंबई के शिवाजी पार्क में एक मेगा रैली का आयोजन किया जाएगा। राज ठाकरे ने कहा कि किसी भी देश में चले जाइए, वहां पर आपको पासपोर्ट के बारे में पूछा जाता है। अगर पासपोर्ट नहीं होता है तो आपको वापस भेज दिया जाता है। हर देश में जब आप जाते हैं तो आपसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो एक बार आ जाते हैं वो यहीं पर रह जाते हैं। राज ठाकरे ने घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि आज अगर युद्ध छिड़ जाए तो आर्मी को देश में ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि घुसपैठिए हर जगह पर मौजूद है। चलिए तो अगली खबर है दिल्ली चुनाव को लेकर अमित शाह का ऐलान, 4 महीने में शुरू हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव में प्रचार को रफ्तार देने के लिए उतरे गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि आने वाले 4 महीनों के अंदर ही राम मंदिर का निर्माण करने का काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली में अमित शाह बोले कि मैं केजरीवाल को याद दिलाने आया हूँ कि भैया केजरीवाल, आपने जो वादे किए थे वो आप भूल गए हैं, लेकिन वादे न दिल्ली की जनता बोली है और न ही भाजपा के कार्यकर्ता। अमित शाह ने केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल जी ने 5000 DTC बसें लाने की बात कही थी, लेकिन सिर्फ 300 बसें ही ला पाए।
अमित शाह ने केजरीवाल से पूछा कि आपने कहा था कि यमुना को स्वच्छ कर देंगे, लेकिन आपने यमुना स्वच्छ करने के बजाय जो लोगों के घरों में पानी आता है उसको भी गंदा कर दिया। चलिए तो अगली खबर है, मौत की सजा के बाद दोषी के बर्ताव के आधार पर फैसला बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, यूपी के अमरोहा जिले में साल 2005 में हुई एक सनसनीखेज वारदात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका में कहा कि दोषी के बर्ताव को आधार में रखकर उसकी मौत की सजा को वापस नहीं लिया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना 15 अप्रैल 2008 की है, जब शबनम और सलीम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शबनम के माता पिता और परिवार को यह रिश्ता पसंद नहीं था और इसी बात को लेकर शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार की हत्या करवा दी थी, जिसमें 10 साल का एक मासूम बच्चा भी शामिल था। और इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि हम ऐसे मामलों में दोषी के अधिकारों पर फोकस या जोर नहीं देना चाहते हैं जिसने जानबूझकर 10 महीने के बच्चे सहित 7 लोगों की हत्या करवा दी। वहीं दूसरी ओर शबनम के वकील ने कहा कि उसका जेल में बर्ताव अच्छा है, वह जेल के स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है, वह जेल के कई सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होती है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा कि आप कह रही है कि 10 महीने के बच्चे को मारने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आया है। चीफ जस्टिस बोले कि हम समाज के लिए न्याय करते हैं, हम ऐसे अपराधी जिसको दोषी ठहराया जा चुका हो उसको माफ नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से यह भी साफ हो चुका है कि निर्भया केस के दोषियों को भी जल्दी सजा दी जाएगी, भले ही वे बार बार पुनर्विचार याचिका को दाखिल करते हो। चलिए तो अगली बड़ी खबर है, निर्भया के दोषियों का डेथ वारंट जारी करने वाले जज का सुप्रीम कोर्ट में तबादला। जी हां दोस्तों, निर्भया केस के चारों दोषियों को डेथ वारंट ब्लैक वारंट जारी करने वाले पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा का तबादला हो गया है। खबर यह है कि उन्हें एक साल के डेप्यूटेशन पर सुप्रीम कोर्ट में बतौर अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि बीते 7 साल से जिस निर्भया केस के दोषियों की फांसी की उम्मीद पूरा देश कर रहा था, उनका डेथ वारंट जज सतीश अरोड़ा ने ही जारी किया था। चलिए तो बात करेंगे सोने चांदी के भाव की। सबसे पहले जानेंगे 22 कैरेट के अनुसार सोने का ताजा भाव, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,895 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 31,160 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 38,950 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,89,500 रुपए 22 कैरेट गोल्ड का दाम चल रहा है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के भाव की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,015 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 32,120 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 40,150 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,01,500 रुपए 24 कैरेट गोल्ड का दाम चल रहा है। चलिए तो बात करेंगे भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के भाव की, तो आप देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन पर दी गई है। वही बात करें चांदी के भाव की, तो 106 रुपए की बढ़ोतरी के बाद चांदी का ताजा भाव 47,306 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम यहाँ पर रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और भेज सकते हैं गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसी के साथ में पेटीएम कैश भी। चलिए तो आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।